दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयंशिका हैप्पी गार्डन में। तो आज का DIY बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है क्ले वाला पॉट। तो इस तरह का जो है आप क्ले वाला पॉट ले लीजिए। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है ये पतंग उड़ाने के लिए जो धागा आता है उसी का ये रिल है। तो इस तरह का रिल ले लीजिए। और फिर इसके बाद मैंने लिया है ये है एक काऊ जो टूटा हुआ है और बहुत ही ख़राब कंडीशन में था, तो मैंने इसको ठीक किया है और अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है उसको। फिर इसके बाद जो हमने अभी व्हील लिया है उस व्हील के अंदर जो है आपको ये जो क्ले वाला पॉट है उसको आपको जो है सेंटर में फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए मैं व्हील के ऊपर फेविकोल लगाऊंगी। और फेविकोल लगाने के बाद फ्रेंड्स हम लेंगे क्ले। तो मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ फिक्स करने के लिए। यहाँ पे आप एमसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, एमसिल से भी ये अच्छी तरह से जो है ये फिक्स हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ क्ले वाला पॉट। तो जिस जगह पे जो है हमें फ़िक्स करना है उस जगह पे आप सबसे पहले जो है फेविकोल लगा लीजिए क्ले वाले पॉट के नीचे वाले हिस्से पे। और फिर इसके बाद व्हील के ऊपर जो है हमें इसको पेस्ट करना है। तो चलिए हम उसको भी करके आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से जो है आप इसको व्हील के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पेस्ट हो जाएगा और आप किसी और तरीके से भी इसको जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये सबसे आसान दिखा तो मैंने इसी से ही जो है इसको व्हील और पॉट को मैंने इस तरह से जो है फिक्स कर लिया है। और फिक्स होने के बाद ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद मैंने लिया है ये काऊ और इस काऊ के जो सिंग है वो सारे जो है टूट गए हैं। तो उसको जो है आप मोल्डेड क्ले से बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले से जो है इसके सिंग वगैरह को जो इसके अंदर कमी है उसको मैं बना लूँगी। और ये जो काऊ है उसको जो है हमें जो व्हील है उसमें हमें इसको फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम काऊ के पीछे वाले हिस्से पे जो है वहाँ पे हम फेविकोल लगा लेंगे। और फिर से मैं यहाँ पे क्ले का यूज़ करूँगी। क्ले के हेल्प से ही मैं जो हूँ व्हील को और काऊ को एक दूसरे में फिक्स करूँगी। तो उसके बाद मैंने क्ले लगा लिया है। और फिर इसके बाद जो है आप इस तरीके से जो है फिक्स कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से जो है आप ड्राई होने दीजिए। और इस तरह से जो है ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम क्ले वाले पॉट को वाइट एक्रेलिक कलर से कलर करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो जैसो या फिर ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं कलर करने के लिए, या तो आप यहाँ पे कोई अदर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये कलर हो गया है। और जो व्हील है उस वो पहले से ही ब्लैक कलर का जो है वो कलर है, तो मैं फिर से इसको जो है थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर लिया है। और फिर इसके बाद जो है मैंने पेंसिल से क्ले वाले पॉट में जो है मैंने डिज़ाइन बना लिया है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का जो है आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं पॉट पे उस तरह का जो है आप डिज़ाइन बना लीजिए। और बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर जो है फेविकोल लगाऊंगी। जहाँ पे हमने पेंसिल से ड्रॉ किया है उस जगह पे ही पूरे में जो है हमें फेविकोल लगा लेना है। और फेविकोल लगाने के बाद जो है मैं लूँगी क्ले और क्ले को मैंने रोल की तरह बना लिया है। और फिर इसको जो है हमें जो हमने पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर हम जो है मोल्डेड क्ले का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन बना लीजिए क्ले के हेल्प से। और मैं इसके अंदर और भी जो है डिटेलिंग कर लूँगी। तो इस तरह से जो है आप अपने अनुसार इस पर कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर लीजिए। और फिर मैंने नाइफ से जो क्ले मैंने लगाया है उसके ऊपर थोड़ा सा जो है मैं डिटेलिंग कर रही हूँ ताकि ये जो है थोड़ा खूबसूरत लगे। तो इस तरह से जो है आप पूरे में नाइफ से जो है आप क्ले के ऊपर डिटेलिंग कर लीजिए। और ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट। और फिर इसके बाद जो है जो व्हील को हमने ब्लैक कलर से कलर किया है उसके ऊपर जो है हम वाइट कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। तो वैसे तो पहले से ही इसके ऊपर बना हुआ है, बस मैं आउटलाइन कर रही हूँ इसके ऊपर। तो इस तरह से जो है आप आउटलाइन इसके ऊपर कर लीजिए, इससे जो व्हील है वो अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से दोनों साइड पे जो है आपको बना लेना है। और फिर इसके बाद
ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और मैंने लिया है येलो कलर और विल के किनारे वाले हिस्से पे मैं डॉट डॉट बनाऊंगी। तो इस तरह से जो है आप पूरे में डॉट डॉट बना लीजिए। तो इस तरह से दोनों साइड पे आपको जो है बना लेना है। और बनने के बाद फ्रेंड्स, अब जो है मैं जहाँ पे वाइट कलर का यूज़ की हूँ उस जगह को मैं यहाँ पे येलो कलर से, मतलब मैंने यहाँ पे हल्का येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है आप पूरे पॉट को कलर कर लीजिए और अच्छी तरह से जो है इसको ड्राई होने दीजिए। यहाँ पे मैं येलो कलर से इसको पूरे को जो है मैंने कलर कर लिया है। और फिर इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैंने जो है अलग कलर से कलर किया है, और जो सेंटर में है उसको भी मैंने डिफरेंट कलर से ही कलर किया है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है इसको आप कलर कर लीजिए। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मिरर को चिपका रही हूँ इसके ऊपर, ताकि ये और ज़्यादा मतलब खूबसूरत दिखे। तो इस तरह का मिरर जो है फ्रेंड्स मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये इधर उधर कहीं ना कहीं हमेशा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स मैं इसका यहाँ पे यूज़ कर ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे ही आप छोड़ दीजिएगा, और डिफरेंट डिफरेंट और भी कलर का इसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो मैं यहाँ पे DIY बना रही हूँ ये और भी ज़्यादा जो है वो सुंदर दिखे। तो मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स मिरर लगाना था, तो मैं यहाँ पे जो हूँ लाइट कलर का यूज़ की हूँ पॉट को कलर करने के लिए। और अगर आपको मिरर नहीं लगाना है तो आपको सिंपल बनाना है तो यहाँ पे डार्क कलर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा जो है आपका पॉट ये खूबसूरत दिखे। इतना सारा कुछ करने के बाद भी फ्रेंड्स मुझे जो है अपने DIY वाला जो पॉट को मैंने अभी बनाया उसमें मुझे थोड़ी सी कुछ कमी सी लग रही थी। तो मैंने जो है उस कमी को दूर करने के लिए मैंने जहाँ पर हमने जो है क्ले से डिज़ाइन बनाया है उस जगह को जो है हमें ब्लैक कलर से कलर करना है। तो मैं बिल्कुल क्ले के ऊपर ही मैं ब्लैक से जो है उसको कलर कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है वो कलर हो गया। और फिर इसके बाद जो काऊ है, काऊ के पीठ के ऊपर जो है मुझे एक कपड़ा जो है इसके पीठ पे रखा हुआ मतलब मुझे दिखाना है। तो पहले तो मेरा मन किया कि मैं जो हूँ यहाँ पर कोई भी कपड़ा को जो है मैं इसके पीठ के ऊपर पेस्ट कर दूँ, तो फिर बाद में जो है मैंने अपना जो इरादा है उसको चेंज कर दी थी, क्योंकि मेरा जो कोई भी DIY होता है मैं उसको बाहर भी रख दूँ तो मेरा जो DIY वाला पॉट है वो ख़राब ना हो, क्योंकि पॉट ऐसा होता है जिसको बारिश और गर्मी धूप सभी चीज़ों को जो झेलना होता है, तो उसके बाद भी जो है वो प्लांटर ख़राब ना हो, ये सोचकर जो है मैंने क्ले से ही जो है इसके कपड़े को बनाया है। और जो कपड़े बनने के बाद मैं क्ले से ही जो है इसके अंदर डिटेलिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है आप डिटेलिंग कर लीजिए। आप यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन में इसके कपड़े को बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी जो है आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद फ्रेंड्स जो दूसरे साइड पे जो है क्ले के ऊपर मैंने ब्लैक कलर से कलर किया था वो पेंडिंग रह गया था, तो मैं उसको भी यहाँ पे जो है कलर कर रही हूँ। और कलर करते करते फ्रेंड्स जो क्ले का मैंने पहले यूज़ किया था वो भी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई होने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर जो है हमें और भी डिटेलिंग वगैरह जो है करना था, तो चलिए मैंने उसको भी जो है इसके ऊपर कर लिया है। और करने के बाद फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल इसके समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो हूँ जो कपड़ा मैंने बनाया है उसको मैं किस कलर से कलर करूँ। पहले तो मन कर रहा था कि मैं इसको ब्लैक कलर से ही कलर कर लूँ या फिर येलो कलर से, फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको रेड कलर से कलर कर लेती हूँ तो थोड़ा कुछ अलग दिखेगा ये कपड़ा। और रेड कलर से ही मैंने पूरे कपड़े को कलर किया है। और कलर ड्राई होने के बाद फ्रेंड्स मैंने जो है इसके अंदर मिरर भी लगाई हुई हूँ, और जो क्ले से मैंने डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर मैंने जो है गोल्डन का हल्का हल्का टेक्सचर मैंने दिया है। तो इस तरह से जो है मैंने इसके कपड़े को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसके कपड़े को तैयार कर लीजिए। और इतना होने के बाद दोस्तों फाइनली मेरा जो ये
प्लांटर मैंने बनाया है ये तैयार हो गया है। और मेरा ये प्लांटर दोस्तों आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो है यूज़ आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे प्लांटर की तरह यूज़ करिए या फिर आप होम डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बेकार चीज़ें जिनको हम फेंक देते हैं दोस्तों, उसको फेंकिए मत, उसका यूज़ कर लीजिए या फिर अपने गार्डन के लिए कुछ बढ़िया सा DIY बना लीजिए, या तो अपने होम डेकोर के तरह भी इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये DIY आपको अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो ये प्लांटर बनाया है ये आपको कैसा लगा। और ये है दूसरा DIY। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है ये एक प्लास्टिक का डब्बा है, इसके अंदर ईयरबड था तो उसी का डब्बा जो है मैंने लिया है। तो ये जो मैं यहाँ पर एक पेन होल्डर बना रही हूँ तो इसको बनाने का काम जो है मैंने अपने डॉटर को दिया है। अभी जो है समर वेकेशन चल रहा है तो उसे ही मैंने कहा है कि तुम अपने लिए एक छोटा सा पेन होल्डर बना लो। तो उसको मैंने इस तरह से कहा बनाने के लिए, उस तरह से जो है वो बना रही है। तो इसके जो है नीचे वाले हिस्से में उसने फोर लेग को बनाया है। बनाने के बाद जो है इस डिब्बे को वाइट एक्रेलिक कलर से कलर करना है। तो इसको जो है आप वाइट एक्रेलिक कलर से पूरे डब्बे को कलर कर लीजिए। और कलर जब ड्राई हो जाने के बाद जो है इसको हमें कलर करना है। तो इस डिब्बे को मुझे जो है आधे हिस्से में वाइट कलर रहने देना है और आधे हिस्से को हमें पर्पल कलर से कलर करना है। तो वो मेरी जो डॉटर है इसको पूरे को ये पर्पल कलर से ही कलर कर रही थी, तो फिर बाद में जो है मैंने उसको जो है चेंज करवाया था। तो बाद में जो है उसने इस डब्बे को देखिए इस तरह से जो है उसने कलर के आधे हिस्से को वाइट कलर रहने दिया है और आधे हिस्से को पर्पल कलर से कलर किया गया है। और फिर इसके अंदर जो है आई को बना लेना है। तो इस तरह से जो है आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से जो है आई बनाना चाहते हैं उसको बना लीजिए, और नोज़ बना लीजिए और माउथ बना लीजिए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं उसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र की तरह भी एज ए यूज आप इसको प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है एक छोटा सा डिब्बा से पेन होल्डर बनकर तैयार हो गया है। तो मेरा ये पेन होल्डर फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।